Welcome guys to my channel, that is Gosain sir. Today we are going to start a question number 12, exercise 2.5. ठीक है, क्वेश्चन केवल दिखने में बड़ा है बट सॉल्यूशन बहुत छोटा सा, ध्यान से देखेंगे तो प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड किसके बराबर है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। केवल दिखने में बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत ईजी है, ध्यान से करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं RHS राइट हैंड साइड, ठीक है, वो वाली। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो अब यहां देखो क्या है, एक्स माइनस वाई यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे ओपन कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सिमिलर ही दूसरे को देखेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वैसे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, x जेड हो गया, तो सब लिख लेता हूं इसको माइनस 2ab, ठीक है। अब जितने ऐसे डिस रहेगा अभी इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, x प्लस y प्लस z, तो एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, वैसे y स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, अच्छा टू वाई स्क्वायर, ये हो गया टू जेड स्क्वायर, बाकी एज इट इज भाई टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू एक्स जेड। अब देखो सब में टू है तो टू बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो टू से टू कट गया, अब यहां बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ठीक है। अब क्या करना है हमें भाई, ये बारी बारी से, ये एक्स सबसे मल्टीप्लाई होगा, वाई सबसे होगा, जेड सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ध्यान से करना है, जरा सा प्लस माइनस गलत कर दिया पूरा गलत, तो ठीक है एक्स को करूंगा तो ये होगा एक्स क्यूब, वाई के साथ करूंगा तो ये होगा एक्स वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर के साथ तो एक्स जेड स्क्वायर, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड, तो ये एक्स सबके साथ हो गया, ठीक है, गिन लो भाई, एक तीन चार पांच छह, तो छह टर्म, एक दो तीन चार पांच छह, वैसे वाई इन छह टर्म के साथ होगा, तो वाई को भी कर लेते हैं भाई, वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू वाई स्क्वायर तो हो गया y क्यूब, y इंटू जेड स्क्वायर तो हो गया y जेड स्क्वायर, y इंटू माइनस एक्स वाई स्क्वायर तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो y इंटू वाई जेड तो होगा वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, देन y इंटू माइनस एक्स जेड तो होगा माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड की बारी, तो जेड सबसे होगा तो जेड को कर लेते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर जेड, देन एक्स वाई से होगा तो ये हो गया वाई स्क्वायर जेड, देन जेड स्क्वायर इंटू एक्स ये हो गया जेड क्यूब, फिर एक्स वाई से होगा तो होगा माइनस एक्स वाई जेड, फिर वाई जेड से होगा तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, लास्ट माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो भाई एक्स क्यूब वाई क्यूब और हमारे पास जेड क्यूब, ये तो हमें चाहिए, तो तीनों लिख लो भाई, एक्स क्यूब y क्यूब और z क्यूब, कहीं पे क्यूब है भी नहीं इसलिए कैंसिल भी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो भाई एक्स वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर देखो, ठीक है, ये सामने है भाई, कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर लिएगा तो एक माइनस का एक प्लस का, एक्स स्क्वायर वाई तो एक्स स्क्वायर वाई एक प्लस का एक माइनस का, एक्स स्क्वायर जेड तो एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड एक माइनस का एक प्लस का, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, और क्या है वाई स्क्वायर जेड प्लस का माइनस का, बचे क्या भाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो ये तो भाई ऐड होंगे कैंसिल थोड़ी होंगे, तो क्या आएगा भाई कितना है, एक दो तीन, तो माइनस थ्री एक्स वाई जेड आ गया ना लेफ्ट साइड के बराबर, तो ये इक्वल किसके है, द एलएचएस, यही हमें प्रूफ करना था, है ना जी सर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, थैंक यू।